यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को बरेली में कहा कि जिस देश में महिलाएं सशक्त होती हैं उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब समय बदल गया है, महिलाओं को अपने और परिवार के विकास के साथ देश के विकास का दायित्व भी उठाना होगा। राज्यपाल रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में आयोजित राष्ट्रीय उद्यमशील महिला सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, इसके लिए अंक भी निर्धारित हों, छात्रों के लिए लैब और पुस्तकालय 24 घंटे खोलें, शिक्षा मातृभाषा में हो और शिक्षित हो जाने के बाद धरती से अपना जुड़ाव महसूस होना चाहिए। राज्यपाल ने उद्योग एवं कारोबार में अतुलनीय योगदान के लिए कविसा मोटर्स की शारदा भार्गव, बीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवार, उद्यमी दिनेश गोयल समेत कई बड़े हस्तियों को सम्मानित किया। इस मौके पर किताब का विमोचन भी किया गया। बरेली में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने वाले बरेली प्रीमियर लीग बीपीएल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीपीएल मैच 24 मई से मस्टेलियंस क्रिकेट ग्राउंड और बीएल क्रिकेट मैदान पर खेले जाएंगे। बाकायदा आईपीएल की तर्ज पर टीमों की नीलामी भी होगी। बीपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर्स की बैठक में आयोजन को शानदार बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। बैठक में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर और बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि आयोजन को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मस्टेलियन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कर्नल कृष्णा यादव के अनुसार 10 मई तक लीग की फ्रेंचाइजी ली जा सकेंगी। लीग में 48 मुकाबले खेले जाएंगे, 12 जून को लीग का समापन होगा। खिलाड़ियों का टेस्ट और फिटनेस ट्रायल पूरा हो चुका है। बैठक में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर और बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, डीजी इंफ्रा ग्रुप के चेयरमैन धर्मेंद्र गुप्ता, ओलंपिक संघ बरेली के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर अमित राठौर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल, निहाल सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बीपीएल के आयोजन में बीएल एग्रो, इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, डीजी इंफ्रा ग्रुप स्पॉन्सर के रूप में शामिल होंगे। बीपीएल में न्यूज टुडे नेटवर्क डिजिटल पार्टनर और दैनिक जागरण प्रिंट पार्टनर की भूमिका में नजर आएंगे। बरेली पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को दिशा स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के संग समय बिताया। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए स्केच पेंटिंग आदि की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि दिशा विद्यालय समिति एक सराहनीय काम कर रही है। बच्चों से राज्यपाल बोली, जिस विषय में आपकी रुचि हो उसी विषय में पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। दिशा स्कूल को गोद लेने के लिए राज्यपाल ने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तारीफ की। उन्होंने कहा ये एक अभिनव प्रयास है। दिव्यांग बच्चों ने इस मौके पर राज्यपाल को धार्मिक पुस्तकें व पेंटिंग भेंट की। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने ब्रज क्षेत्र के 3 मंडल बरेली, आगरा और अलीगढ़ में शानदार कामयाबी हासिल की है। चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी आलाकमान ने संगठन शिल्पी के रूप में अनुभवी नेता दुर्विजय सिंह साके को ब्रज क्षेत्र संगठन का अध्यक्ष बनाया था और उन्होंने ब्रज का मैदान फतेह करके दिखाया है। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में ब्रज क्षेत्र में बरेली, साझापुर, अलीगढ़, मथुरा वृंदावन, आगरा और फिरोजाबाद में मेयर मुकाबले जीते हैं तो 38 नगर पालिका और 112 नगर पंचायतों भी भगवा पताका लहराई है। सभी 13 जिलों में चुनावी कामयाबी के बाद ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साके ने सोमवार को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी जीत के आंकड़े सामने रखे। उन्होंने बताया कि भाजपा ने इस बार ब्रज क्षेत्र में 6 की 6 मेयर सीटें जीती हैं, वहीं 38 में से 18 नगर पालिका चेयरमैन और 112 में से 47 नगर पंचायत अध्यक्ष मुकाबलों में बाजी मारी है। अनुशासित संगठन और शानदार बूथ मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि बरेली के ज्यादातर वार्डों में खुलकर या चोरी छिपे बगावत होने के बाद भी भाजपा का वोट गणित नहीं गड़बड़ाया। बरेली मेयर चुनाव में पिछली बार के मुकाबले 4% वोटिंग कम होने के बाद भी भाजपा ने न सिर्फ सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है बल्कि अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ा लिया है। कम मतदान होने के बावजूद भी भगवा ब्रिगेड महानगर में अपनी ताकत विस्तार में सफल हुई है। बड़ी बात यह है कि 5 साल के अंदर बरेली महानगर में भाजपा के वोटों में करीब 7% की वृद्धि देखने को मिली है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में देखें तो 2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा के पक्ष में 40.73% मतदाताओं ने वोटिंग की थी तो इस बार यह ग्राफ बढ़कर 47.54% हो गया है। पिछली बार के सदन में भाजपा के सिर्फ 38 पार्षद जीते थे जिनकी संख्या अब की बार बढ़कर 52 हो गई है। बरेली में मोहब्बत के लिए एक युवती ने अपना मजहब बदल लिया है। हिंदू धर्म अपनाकर नसरीन अब नेहा बन गई है और प्रेमी से शादी कर ली है। दोनों को जान का खतरा है। ममोरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक राहुल से प्यार करने वाली नसरीन ने वैदिक रीति रिवाज से उसके साथ 7 फेरे लिए। नसरीन से नेहा बनी युवती सोमवार को SSP दफ्तर पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई।
बरेली में एक मेडिकल छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने उसे रौंद डाला। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा ममोरा इलाके में हुआ। आमला के मऊचंदपुर का रहने वाला पुनीत बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था। देर शाम वो बाइक से घर जा रहा था, रास्ते में अनहोनी हो गई। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बूढ़ी दादी से विवाद में खिसियाए पोते ने लाठी डंडों से वृद्धा की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर पोता वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घटना थाना सुभाषनगर क्षेत्र की है, जहां बेटी जागीर निवासी जागन की 65 वर्षीय पत्नी चंद्रकली ने बीमारी के चलते पोते तालेवर को घर बुला लिया था। तालेवर का पत्नी से झगड़ा हो चुका था। इसी बात से खफा तालेवर ने दादी से भी झगड़ना शुरू कर दिया और उनकी जान ले ली। बरेली में युवती ने शादी से पहले संबंध बनाने का विरोध किया तो मंगेतर ने 10 लाख रुपए और कार की डिमांड कर दी। आरोप है युवती का मंगेतर उससे वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करता था और घर से बाहर आकर मिलने को दबाव बनाता था। मना करने पर वह मोटा दहेज मांगने लगा और अब रिश्ते से इनकार कर रहा है। पीड़ित युवती ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला थाना अलीगंज क्षेत्र का है। बताया गया है कि लड़का सेना में जवान है और अब रिश्ता तय करना नहीं चाह रहा। शाहजहांपुर के तेलहर इलाके में एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली और टीचर साजिया की करतूत सुनकर शिक्षा विभाग का सिर शर्म से झुक गया है। महिला टीचर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को जाल में फंसाती थी और अनुदेशक मोहम्मद अली उनके साथ शैतानी हरकत करता था। बच्चियों की आपबीती सुनकर गाँव वाले आक्रोशित हो गए और अनुदेशक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अनुदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। विभाग से उसकी सेवा समाप्त कराई जा रही है, जबकि टीचर साजिया के साथ प्रधानाध्यापक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बीएसए ने मामले की जांच के लिए विभागीय कमेटी का भी गठन किया है। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।